एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अब भी सुबह के ये 5 बज रहे हैं और देखिए, एक तरफ शिव जग चुका है, एक तरफ देव तो ऑलरेडी जग ही रहा है। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं, कल मैं अपने मायके गई हुई थी, आप लोग को बताया था। पिता जी ने मुझे इतनी बड़ी बात कही थी ना, वही वही चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी और रात को ना 2-3 बार मेरे को सपने आए हैं। तो अभी ये सुबह सुबह का ही टाइम है, बहुत सुबह का। ये देखिए, सुबह के 5 बज गए थे, 5:10 हो गया था। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरी इतने ही बजे डेली नींद खुलती है, रात को 12-1 बजे सो और सुबह इतने बजे से उठ जाऊँ, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर क्या होते हैं, सुबह ही उठते हैं। तो अब मेरी ये देखिए, यहाँ से सुबह हो गई थी, थोड़ा सा मैं इसको फीड वगैरह कराऊँगी और फिर जाऊँगी, देखूँगी बाहर का मौसम, तभी बिल्कुल भी ज़्यादा ख़राब है, क्या कहें। और देव भी साथ ही उठ जाता है, क्योंकि शिव उठता है ना तो शिव रोता है उठते से, तो देव भी साथ में ही उठ जाता है। और छोटे बच्चों के साथ तो अभी यही हो रहा है मेरा तो, और मेरा ये शायद फर्स्ट ब्लॉग है, दोनों के साथ मैं आप लोग को अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ आज, और सुबह से कर रही हूँ सारा काम, जो मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, दिन भर मैं दोनों बच्चे को कैसे केयर करती हूँ, तो वो सारा आज की वीडियो मैंने आप लोग को बताया हुआ है। सो आप माई ब्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको, मैंने थोड़ा सा फीड वगैरह कराया, डकार वगैरह दिला दी, और डकार मैं दिलाती ही दिलाती हूँ शिव को। एक्चुअली कहते हैं अगर फीड वगैरह बच्चे कर लें और उनको तुरंत डकार दिला दो तो बढ़िया रहता है, वरना फिर वो चीज़ ना पेट में भी हजम नहीं होती है, और कई बार वही दूध ना वो मस्तिष्क में चला जाता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। यहाँ पे मैंने इनको उठा दिया था कि जब तक मैं ब्रश वगैरह करने जा रही हूँ, आप जब तक को इसको थोड़ा सा खिला लो, तो इनकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आप समझ लीजिए कि हम 5 बजे हम सारे मेम्बर्स उठ ही रहे हैं, अभी जब से शिव हुआ है 2 मंथ हो गया है, थोड़ा सा इसको ही पुचकारते हैं जब तक को मैं जाऊँगी ब्रश वगैरह करने, जब मैं आ जाऊंगी फिर उसके बाद हस्बैंड जाएंगे, तो यही हो रहा है, थोड़ा सा मैं कर रही हूँ थोड़ा सा वो कर रहे हैं। और यहाँ पे देव तो यही बोल रहा था, मम्मा इतनी जल्दी क्यों उठ गए, रोज़ उसका यही काम है, मम्मी इतनी जल्दी क्यों उठ गए। तो मैं बोलती हूँ क्योंकि शिव उठ गया तो अब हमको उठना ही पड़ेगा, और कहते हैं ना एक अलार्म हो जाता है जब छोटे बच्चे होते हैं कि हाँ भाई इतने बजे ये उठना है, इतने बजे ये करना है। तो अब शिव का मुझे सब कुछ रूटीन पता है कि शिव इतने बजे उठेगा, इतने बजे उसको भूख लगेगी इतने, तो उस हिसाब से मैंने अपना पूरा काम तैयार कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैं चटाई उठाऊंगी, ये तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी गिरा है, तो अब आप सोच सकते हैं तो पानी कितना ज्यादा गिरा होगा रात भर में। तो यहाँ पे आने जाने वाली रास्ता सी, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे साफ कर दूं, क्योंकि ये फिर पानी ना अंदर को जाएगा सबसे पहले। अभी जब बारिश हो रही है तो मेरा यही उठ के काम है, और 5 बजे ना पूरा का पूरा एकदम अंधेरा ऐसा टाइप का था, पूरे बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि दोबारा भी बारिश होगी, पर मैंने कहा जब होगी जब देखी जाएगी, अभी तो हम चलो उठ जाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या मुझे भी अभी मोजे वगैरह पहनना चाहिए, वैसे तो अभी डिलीवरी को मेरे अब 2 महीने हो चुके, 1 जुलाई से पूरा हो जाएगा। तो शिव को तो मैं पूरा इसलिए रेडी करके रखती हूँ कि उसको बढ़िया मोजे वोजे कान में टोपे लगा देती हूँ, पर अभी मैं नहीं कर रही हूँ, तो क्या आप लोग बताइएगा मुझे पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, है ना। वैसे कहते हैं जब शुरू शुरू होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा लगता है हमें कि हाँ चलो अपनी केयर कर लो। और यहाँ पर मैं देव को बुला रही थी, देव को साथ ही मैं अपने साथ ब्रश कराने ले जाती हूँ, उसकी हैबिट में अब आ चुका है देव की, कि वो मेरे साथ उठ जाता है इतने ही वजह से। अभी 5:30 लगभग हो रहे होंगे, थोड़ा सा हमने टहला घूमा घामा, थोड़ी सी बातें की बैठ के, और इसको भी मैंने ब्रश दे दिया था और खुद भी ब्रश करने लगूंगी। फिर उसके बाद मेरा क्या काम है वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोग को बताऊं मेरे पिताजी ने क्या कहा था मुझे, जब मैंने उनको कल गिफ्ट दिया ना, इतनी बड़ी बात मुझे पिताजी ने कही। वैसे तो सारी बेटी अपने माँ बाप के लिए बहुत खास होती हैं, बहुत कुछ होती हैं, पर मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मेरा अभिमान है, इतनी अच्छी बातें कही ना मुझे कि एकदम अंदर से रोना आ गया था मुझे। शिव को पुचकार ही रहे थे, मतलब सॉरी खिला रहे थे। और मैं आप लोग को बता दूं कि
हाँ तो पिताजी बोलते मेरी बेटी पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि वो देखिए एक तो एक किडनी उसने अपने हस्बैंड को दी, उसके बाद वो किस तरीके से अपने घर को संभाल रही है, मैनेज कर रही है। मेरे पिताजी जहाँ काम करने जाते हैं ना, वो लोगों को पिताजी, आज मेरे पिताजी ने मुझसे ये जिक्र किया, जहाँ भी वो पिताजी हमारे काम करने जाते हैं तो वो लोगों ने पेपर में देखा होगा, आप लोगों को तो पता, न्यूज़पेपर में फोटो आया था तो वही लोग बोल रहे थे। तो आज पिताजी ने मुझसे जिक्र किया तो मुझे ना वही वही चीज़ें दिमाग में घूम रही थी, फिर उसी के सपने भी आए। ऐसा अक्सर होता है ना कि जिस चीज़ में हम सुबह से शाम तक सोचते हैं वही चीज़ हमारे सपने में भी आती है। और उन्होंने बोला कि ये मेरी बेटी नहीं बेटे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अक्सर यही होता है कि जो हम बेटी बेटी तो हैं पर बेटे बनने का पूरा पूरा फर्ज भी निभाते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि अभी हमने बॉर्नविटा देव को दिया था गर्म करके, मैंने दूध के साथ लड्डू खाया था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत, सबसे पहले मैं शिप का झूला इसलिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि शिप को मैंने अभी फीड करा के सुला दिया है, सुला के फिर इसमें झूले में उसको वो कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं बिस्तर वगैरह क्लीन करूंगी और बाकी का जो काम होगा। मैं इतना सोच ही रही थी कि शिप सो गया और देखो वो फिर से उसके हाथ पैर चलने लगे, तो उसकी अभी मुश्किल से नींद जब मालिश होती है तभी वो अच्छे से सोता है, वरना अगर वो 5 बजे के बाद उठ गया तो नहीं सोता है शिप। थोड़ा मोड़ा आंख बंद किया, ए ए पै किया और फिर उसके बाद सो गया, फिर उठ गया, ऐसे ही शिप का होता है। पर हाँ, जब अगर वो 2-3 घंटे की नींद लेता है तो वो मालिश करने के बाद, जो कि हमारे यहाँ मालिश वाली 10:30-11 बजे के समथिंग आती है, जब तक को मैंने इनके लिए पोहा बना दिया था। और आप लोग को आज मैं सारा अपना ब्लॉग इसलिए शेयर कर रही था कि आप लोग भी देखें, कि जरूरी नहीं कि हम 10 मिनट की वीडियो में अपने 24 घंटे का ब्लॉग रूटीन शेयर कर पाए, पर हाँ थोड़ा बहुत तो आप लोगों से शेयर कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे अभी हम बस बास्केट जमाया शिप का, उसके बाद देखिए आज मैं शिमला मिर्ची के भरवे वाली मिर्ची बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो आलू की स्टफिंग थी वो तैयार कर ली है, साथ में धनिया पत्ती भी इसमें डाल ली है और इसको हम 2-3 मिनट चलाएंगे। अच्छा, ये आलू की स्टफिंग तो सिंपल सी आपको पता होगा, जैसे कि हम पूरी के लिए आलू की सब्जी बनाते हैं ना, सूखी आलू की सब्जी, ये वैसी ही है। और यहाँ पे हमारे शिमला मिर्च मैंने पहले ही धुल के अच्छे से धुला था, 3-4 पानी से, एक बार गर्म पानी से भी धुला था, बिल्कुल गर्म पानी नहीं था, थोड़ा सा ही गर्म था। और उसके अंदर के पूरे मैंने बीज वगैरह निकाल लिया, वैसे भी हस्बैंड को बीज तो देते ही नहीं है, और भरवे जो मिर्ची के हम बनाएंगे उसके लिए काफी फायदा रहेगा। इसमें अच्छे से हम देखिए इस तरीके से एकदम दबा दबा के भरते जाएंगे और इसको आप खाइएगा, आहा हा, आपको सारी सब्जियां दाल फेल हो जाएंगी। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, इसमें कोई ज्यादा है नहीं कि बहुत ज्यादा ऑयल लगना है, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला लगना है, सिंपल से आलू की स्टफिंग इसमें भर के खाएंगे ना। अच्छा, अगर आप शिमला मिर्ची की अलग से सब्जी बनाएंगे उसका टेस्ट अलग आएगा, आप इस तरीके से बनाएंगे सब्जी तो वो टेस्ट अलग आएगा, आप ट्राई जरूर करिएगा। वैसे तो आप लोगों को आती ही होगी, अच्छा किस किस ने ट्राई कर चुकी है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमने देखी बारी बारी से सारी मिर्ची को इस तरीके से भर रही थी, 8-9 मिर्ची थी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी थी, आप बड़ी भी बना सकते हैं, पर हमें भर में बनाने थे इस वजह से हमने छोटी ही लेकर आए थे। और वैसे तो मैं बता दूँ, आलू वगैरह की चीज़ ना, जब मैं 2 दिन नहीं आलू की चीज़ यूज़ करती हूँ तो ही बनाती हूँ, क्योंकि इनको आलू वगैरह नहीं खाना होता है, क्योंकि मुझसे कुछ ट्रांसप्लांट पेशेंट भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे सारी जानकारी बताना ज़रूरी है। तो 2 या 3 दिन नहीं आलू मैं बनाती हूँ, तब जाके फिर इतने आलू उनको दे सकते हैं। ये देखिए हमारे भरवे भर चुके थे, थोड़ा सा ही क्वान्टिटी में तेल डाला था। अच्छा, मैं आपको, कुछ लोग पूछते हैं कि आरती आप तेल कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं ना सफोला का तेल जब ये सब चीज़ें बनाती हूँ तो यूज़ करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंटों को बहुत असर करता है जो ऐसा तेल होता है। या फिर मैं उसका कच्ची घानी का सरसों ऑयल यूज़ करती हूँ, बट अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी ना, इस वजह से मैंने सरसों का ऑयल यूज़ नहीं किया था, वरना मैं सरसों के तेल में ही सब्जी बनाती हूँ। और 2 टमाटर मैंने उसके भी आलू स्टफिंग भर के और फिर इस पे ऐड कर दिया था। अब फिर मैं आप लोगों से सीधे देखिए खाने के, बाहर पानी गिर रहा है बहुत तेजी से, सुबह से ही गिर रहा है। अभी मैं जा रही हूँ अपना बाकी काम करूंगी, पर देव यहाँ पे कौन सी रटन लगाया है पता है क्या? क्या खाना है भैया आपको? कह रहा है मम्मी मुझे प्लीज प्याज वाली भजिया बना दो ना। क्या खाना है था बताओ, सब तब बनाओ। प्याज वाली भजिया, उसको पता है ना बारिश हो रही है, जमा जम बारिश हो रही है, हमारे वो कपड़े बगड़े हुए हैं, सब कुछ गीला गीला गीला।
और मेरा चूल्हा तो मुझे लगता है कि इस बरसात में चला ही जाएगा, जो कि फिर टप रखा है, पॉलीथिन रखी है, फिर भी लगता है गीला हो ही जाएगा। अच्छा देखिए, उसके बाद फिर मैं आप लोग सीधे नहा धोकर मिल रही हूँ, और सबसे पहले नहा धोकर मेरा यह है कि पूजा पाठ मैं कर लूँ, उसके बाद आगे का काम करूँगी। क्योंकि जब तक मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, कितना भी काम रहे, और तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर से अजीब लगता है, और जब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ पता नहीं मेरे मन को शांति मिलती है। ऐसा ना हमारे साथ होता है, और ऐसा भी होता है हमारे साथ कि अगर हम डेली की रूटीन में कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूजा पाठ भी ना एक डेली रूटीन में आ जाता है, अगर हम कोई काम छोड़ देते हैं ना, तो हमें लगता है कि आज मैंने वो काम क्यों नहीं किया, आज कुछ सूना सूना सा लग रहा है। ऐसा मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है कि नहीं आता आप बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे बस मैं पूजा पाठ कर लूँगी और नीचे जाऊँगी, शंकर जी को एक लोटा जल भी चढ़ाती हूँ, उसका जो चरणों का जल रहता है वो लेकर आती हूँ पूरे घर में, फिर सबको पिलाती हूँ, पूरे घर में उनको अच्छे से छिड़क भी देती हूँ। तो यही है हमारी, देखिए पूजा पाठ यहाँ पे हो चुकी थी, इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे की पूजा करने। तो आज का मेरा यही था, और आप लोग बताइएगा आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। वैसे मुझे ये सब चीज़ें ना शेयर करना आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं। और वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि आरती वैसे भी कभी नहीं हारती है, आरती पूरी पूरी कोशिश करती है। और ये देखिए हमारे भगवान जी बिल्कुल अच्छे से लग रहे हैं यहाँ पे। अब मैं खाना, पता है आप लोग को 3 बज रहे हैं, इसलिए मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, लड्डू पी लेती हूँ, जो भी नाश्ता बनता वो। और यहाँ पे मैं अब 3 बजे खाना खा रही हूँ। सेम मेरे साथ यही हो रहा है, शिप के आने के बाद पूरा का पूरा जो मेरा रूटीन था सब चेंज हो चुका है। इन लोगों का तो बराबर है, जैसे देव का, इसके पापा का, पर मेरा चेंज हो चुका है खाने पीने का, नहाने धोने का। नहा पहले मैं लेती थी, नहाने के बाद मैं खाना बनाती थी, पर अभी क्या हो रहा है, नहाने के पहले भजिया खाना तो बना मम्मी ने, लेती देखिए हूँ। उसके लिए प्याज वाली भजिया बनाई है, और इतनी बनाई है, और थोड़ी सी मैंने अपने लिए, हस्बैंड नहीं खाएंगे, उन्होंने, मैंने ही मना कर दिया था, वैसे ही वो ऑयली वाली चीज़ खाते ही नहीं है। तो ये मेरी और देव की थी, तो उसके साथ हम बढ़िया से खाएंगे, तभी देखते, देव से पूछते हैं कैसी बनी है, भैया खा के बताओ जल्दी, उसका सुबह से मन हो रहा था। कैसी बनी है, टेस्टी है नहीं है, देखो वो ऐसे करके बता रहा है, ऐसे अपन करते हैं ना, अच्छी बनी है, ऐसे कर रहा है। कैसी बनी मुंह से बता दो, टेस्टी है। ठीक है चलिए हम खा पी के मिलते हैं, इसमें मैंने मिर्ची वगैरह नहीं मिलाई, और पानी का तो कोई पूछे ही मत, सुबह मैंने आपको बताया था पानी गिर ही रहा है, सो अभी तक गिर ही रहा है, बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है। से देखिए देव की फरमाइश भी पूरी कर देती हूँ मैं कभी कभी, ऐसे मैंने उसको जिद्दी नहीं बनाया, पर वो बेचारा कह रहा था मम्मी भजिया बना के खिला दो ना मुझे बड़े प्यार से, तो मैंने कहा चलो बाबू शाम को खिला दूंगी। तो सोकर उठ चुका था देव, और छोटे बच्चे को ये होता है ना कि उनको सोते उठ के भूख लगती है, तो कभी कभी मैं उसको घी रोटी गर्म करके दे देती हूँ तो वो खा लेता है। पर आज उसकी थी कि मम्मी प्याज वाली भजिया बना दो, सिर्फ मैंने थोड़ी सी बनाई थी, करीब 10 से 15 जितनी आपको दिखाई दी थी उतनी ही बनाई थी। तो फिर थोड़ी सी देव ने खाई, थोड़ी सी मैंने खाई, और शिव देखो उसके हाथ पैर चल ही रहे हैं, वो अभी ना एक्चुअली खेल रहा है, रो बिल्कुल भी नहीं रहा था। और मैं कोशिश करती हूँ कि शिव को ना बिल्कुल भी नहीं रुलाती हूँ, मुझे फिर अंदर से ना रोना आता है, अगर शिव रोता है तो मुझे रोना आता है इस वजह से। तो चलिए बाय बाय, अब हम मिलेंगे आपसे।